हाय गाइस, तो ये अभी नेक्स्ट डे है, 28th ऑफ अक्टूबर। अभी मैं गाजी को फिर से लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहा है। पेट मतलब जब मैं फीड करती हूँ तो बहुत ज़्यादा रोता है, दैट मीन्स उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है। तो जस्ट इन केस मैं इसको एमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, ताकि पता चल जाए कि कोई ऐसे बग वग तो नहीं है या फिर कोई टाइप का वायरस तो नहीं है। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँचूंगी और वो लोग टेस्ट वेस्ट सब कुछ हर चीज़ कर लें, डॉक्टर जैसा बताते, फिर मैं आप सबको अपडेट करती हूँ। जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये होगा। अभी देखिए फिर से मुझे लेके भागना पड़ रहा है उसको हॉस्पिटल। गाइस, उसको एडमिट कर लिया है और उसका उसका जो सैट्स है, यानी उसका ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बिलो 30 था, तो इसलिए उसको आज रात में ऑब्जर्व करने के लिए एडमिट कर लिया है। माशाल्लाह से और बस उसको आज रात भर उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और सुबह में आएंगे कार्डियक के डॉक्टर, वो सब उसको देखेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल तक, इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि उसको डिस्चार्ज कर देंगे कल तक। और अभी उसको अभी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, एक अलग रूम दिया है। तो मैं बस जा रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं 1 बजे से आई हूँ और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं जल्दी से कुछ जा रही हूँ। हॉस्पिटल के नीचे ही कॉस्टा है या कोई भी चीज़ MNS वगैरह, वहाँ से कुछ ले लूँगी। कहाँ बारिश हो रही है काफ़ी, नहीं देखी। यहाँ की नर्सें इतनी अच्छी, इतनी हेल्पफुल होती हैं कि मुझे बस 2 मिनट के लिए जाना भी होता है तो वो लोग कहते हैं नहीं, अब आप जाओ, आप जो भी करने जा रही हो मैं लुक आफ्टर कर लूँगी आपके बेबी का। मैंने लास्ट वीडियो में ये शेयर किया था आपको कि मैं लास्ट टाइम जा रही हूँ, और इस वीडियो में भी यही हो गया इतफाक से मेरे साथ। वो मैंने ओल्ड वीडियो शेयर किया था, मुझे टाइम ही मिला था पोस्ट करने का, पर अभी ये रिसेंटली आज 28 तारीख है, कल मेरा बर्थडे था और आज ये सब चीज़ें फिर से हो गया। देखिए ना, इंसान को पता नहीं होता कि इंसान कब, जितनी भी प्लानिंग कर लो वो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर है, मैं कॉस्टा से ही ले लेती हूँ कुछ ना कुछ, देखती हूँ अगर कुछ दिख जाए मेरे हिसाब का। भी कोई चीज़ें नहीं है, बगल में MNS है, सोचिए MNS से देख लेती हूँ कुछ, शायद मुझे मेरे हिसाब की कोई चीज़ मिल जाए। ये देखें, ये ले लूँ क्या, ये काफ़ी है। तो गाइस, मैंने ये ख़ुद के लिए ले लिया है, कॉफ़ी ले लिया है, और मैं रात का खाना और सुबह का नाश्ता भी ले लिया कि ताकि मुझे सुबह निकलना नहीं पड़े। मैंने इंस्टा पे बताया था लोगों को गाजी की हेल्थ के बारे में। ओके गाइस, तो ये भी बस वेट कर रहे हैं गाजी का सब ठीक होने का। अभी उसको क्लोजली यू नो मॉनिटर कर रहे हैं, और उसका ऑक्सीजन वगैरह काफ़ी ड्रॉप हो रहा है। नॉर्मली उसको जो घर में हम लोग को ऑक्सीजन दिया गया है वो 0.1 तक का दिया गया, वो हम लोग को अलाउड नहीं है कि हम उसको इंक्रीज़ कर सकें अगर उसको ज़रूरत हो इन केस। मगर इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप उसको ले आएँ, ठीक है। माशाल्लाह से एक्सरे वगैरह हुआ है, टेस्ट वगैरह है, कुछ भी ऐसा सीरियस मैटर नहीं है। अभी काजी सो गया है कार्टून देखते देखते। मैं आपको अभी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी उसकी, वो सिंस ही इज़ बॉर्न, उसकी जो भी वीडियोज़ मेरे पास है मैं आप लोग को अभी शेयर करूँगी, और आप लोग पहले उसको देखें फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइज़, ये गाजी जब एक हफ्ते का था तो तब इसका ये पहला ऑपरेशन हुआ था, एओर्टिक रिपेयर। वो उसके वाल्व को पीछे से ऑपरेशन किया था, उसको रिपेयर किया था, फिर हम लोग उसको डिस्चार्ज करके घर ले आए थे। ये फर्स्ट टाइम था जब वो घर आया था, सब कुछ ठीक था, और इसके सारे अपॉइंटमेंट्स हम लोग अटेंड कर रहे थे जो भी चीज़ थे। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सब पुरानी क्लिप्स हैं जब इसके अपॉइंटमेंट्स मैं अटेंड करती थी, मैं मेरे हस्बैंड ले जाते थे इसको। बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट आते थे क्योंकि इसके साथ कार्डियक इशू है, तो हर 2 हफ्ते में हमें अपॉइंटमेंट्स अटेंड करने पड़ते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, और पता चला कि इसको ब्रोंकलाइटिस हो गया और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखिए, ये ऑप्टीफ्लो एयर और ऑक्सीजन दोनों मिक्स करके इसको प्रेशर में दिया जा रहा था कि इसका लंग्स में थोड़ा वो रहे। उसके बाद फिर इसको फाइनली एडमिट कर लिया,
तो ये ले जा रहे हैं इसको सेकेंड ऑपरेशन के लिए, जो ओपन हार्ट सर्जरी की बराबर ही था। तो ये ऑपरेशन सिर्फ उस लिए था कि ताकि बच्चा ग्रोथ ले सके, और क्योंकि इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम अक्सर हुआ करती थी, और जिसके वजह से डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इसको PA बैंड लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस तरह से ये रोज़ाना इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी और ये सही से ग्रोथ नहीं ले सकेगा। तो ये इसके PA बैंड वाला ऑपरेशन वाला दिन है। आप जैसे देख सकते हो ये यहाँ पर इसका वेंटिलेटर पे है, और इसका ये आगे से ओपन करके इसको PA बैंड लगाया है। ये ड्रेन लगा है, यहाँ ऑपरेशन हुआ है, ये नाक में ऑक्सीजन का लगा हुआ है, ये सब कैनुला लगा हुआ है हाथ में। तो कल जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्लिप में आपको बताया था कि उसके दिल में छेद है, और उसका 2 ऑपरेशन पहले ही हो चुका है। फर्स्ट ऑपरेशन उसका हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ हिज लाइफ, जिसे एओर्टिक रिपेयर कहते हैं, जो वेल्व होता है वो इन्होंने रिपेयर किया है। और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन इसका PA बैंड जो आगे से ओपन किया, पूरा ओपन हार्ट सर्जरी की तरह होता है, उसमें लंग्स और हार्ट के बीच में एक बैंड लगाया है, जिसमें जो पानी लंग्स में ना जा सके उस छेद के वजह से, जिससे बच्चा अच्छे से ग्रोथ ले सके, सांस ले सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह PA बैंड तो काफ़ी वर्क भी कर रहा है कुछ हद तक, पर फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लिक्विड वगैरह जाता ही है, तो जिसके वजह से ये 12 मास कंटिन्यूसली बीमार पड़ रहा है। कभी ब्रोंकलाइटिस तो हो रहा है, तो कभी चेस्ट इन्फेक्शन, तो कभी कोई वायरस हो रहा है, वायरल हो रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसको हमेशा, जब से ये बॉर्न हुआ है, जब से ये पैदा हुआ है तब से इस तरह से ऑन एंड ऑफ बीमार रहता है। मोस्टली मेरा टाइम हॉस्पिटल में ही कटता है, आप लोग ने भी देखा होगा। और तो बस ये थी अपडेट गाजी की हेल्थ की, कि अभी इसके साथ ये उसके, मतलब जब से ये पैदा हुआ है इसके दिल में छेद है, 2 बड़े बड़े छेद हैं। तो बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही 31 अक्टूबर को इसका CT स्कैन होगा, उसके बाद ये लोग डेट बताएंगे कि कब होना है रिपेयर, इसका फाइनल रिपेयर कब होना है। जब फाइनल रिपेयर इंशाल्लाह हो जाएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, वो गाजी के लिए मतलब दूध गर्म करना था, क्योंकि नीचे से किचन से ये लोग दूध बना के देते हैं बट वो ठंडा होता है, तो उसको यहाँ पर ये खौलता पानी मिलता है, तो मैं इसमें कप में डाल करके दूध को गर्म कर देती हूँ। बर्थडे के लिए कुछ लेके चलो, ये कोई तरीका नहीं है, कुछ ला नहीं सके, और फिर मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता, खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं। आ कहाँ रही हो तुम? अब आ रहे थे तो आ रहे थे ना, इस वजह से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आना था, इसकी जरूरत नहीं थी ना, ये खाने के लिए लेके आई है सब, ये गिफ्ट भी ले आई है खाने के लिए, हमारे 2 दिन का खाना मैं रेडी कर रही हूं, पास फ्रिज में रख देना और बाद में खा लेना। भैया मतलब सुकून चैन नहीं है इनको, ये सब चीजें लाद के हमारे लिए लेके आई है, गाजी को देखने आई थी। हाँ तो यहाँ पर गाजी अभी थोड़ा सा खेलू के मूड में था। तो गाइज मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, जिसे आपको पता ही है, और अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये लोग कब डिस्चार्ज करेंगे। कल CT स्कैन है, मेरे ख्याल से शायद CT स्कैन करने के बाद ही करेंगे, बट अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि गाजी को राइनो वायरस डायग्नोस किया है, वो नॉर्मल सा कोल्ड एंड फ्लू होता है, जो हर काफ़ी नॉर्मल होता है नॉर्मल बेबीज़ के लिए, बट दिक्कत ये है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत लो है, तो जिसके वजह से वो ज़्यादा उसके साथ, उसके लिए ज़्यादा बुरा हो सकता है, और उसका इम्यूनाइजेशन भी अपडेट नहीं है, क्योंकि गाजी हमेशा जब से बॉर्न हुआ है बार बार बीमार पड़ के हॉस्पिटल में आ जा रहा था, और जब जब मैंने उसका इम्यूनाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है तब तब वो बीमार पड़ा है, तो उसका कोई भी इम्यूनाइजेशन अभी तक अपडेट नहीं है। खैर वो तो बाद में होता ही रहेगा, और अभी बस मेन कंसर्न है कि उसका कल CT स्कैन हो जाए, क्योंकि वायरस है ये बताया है, तो उसमें CT स्कैन में एनेस्थीसिया दे के सुलाते हैं बच्चे को, तो वो ही मेन कंसर्न है अभी डॉक्टर्स के लिए कि वो करेंगे या नहीं, अभी तक बात पता नहीं चलेगी कल वो करेंगे या नहीं।
तो बस अब दुआ करें कि गाजी ठीक हो जाए और उसका सीटी स्कैन वगैरह भी जल्दी हो जाए, क्योंकि सीटी स्कैन हो जाएगा तो फिर उसका फाइनल जो ऑपरेशन होना है उसका अपडेट, मतलब वो लोग अपडेट दे देंगे कि कब करना है ऑपरेशन। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा हैप्पी मोमेंट शेयर करूंगी, पर मुझे लगता है कि जो भी मेरी ज़िंदगी मेरे साथ गुजर रही है मुझे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये मैंने, ये जो 9 महीने का जो सफ़र जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, गाजी बॉर्न हुआ 6th of January 2023 और अब तक इस मंथ तक, अभी वो 9 मंथ्स का है और उसके साथ जो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कंटिन्यूसली बीमार पड़ता जा रहा है, तो अपॉइंटमेंट्स अटेंड करने हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं साथ साथ पे चला रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, सो मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर कर दी है और आगे भी आप लोग को बताती रहूँगी। पर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मैं अब नेक्स्ट टाइम से सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ना कि कोई सैड मोमेंट। बस आप लोग अपने दुआ में मेरे गाजी को याद रखिएगा, जितने भी बीमार हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, जितने भी, मौला सबको शिफा दे। उनके बाद मेरे गाजी के लिए भी आप लोग दुआ करिएगा कि उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द और अच्छे से खैरियत से हो जाए और वो एक हेल्थी लाइफ जी सके। तो चलिए अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सब ने एंड तक वीडियो देखा ही होगा और सारा डिटेल जो भी मैंने शेयर किया है वो सब आप लोग ने सोच देखा और समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट पे आप लोगों के साथ बर्थडे व्लॉग शेयर करूँगी और हैप्पी हैप्पी चीज़ें अब से होंगी, कोई भी सैड चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, अपडेट्स मैं देती रहूँगी गाजी की हेल्थ के बारे में, पर मेरा ये मानना है कि मुझे सिर्फ खुशियाँ बांटनी आप लोग के साथ, क्योंकि मैं बहुत बीच में गायब हो गई थी सोशल मीडिया से, तो ये वजह थी जो मैं गायब हुई थी और इन सब चीज़ों में मैं मसरूफ़ थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।